very warm welcome. As a part of our special state elections coverage, we are now in Indore with the students of Devi Ahilyabai Vishwavidyalaya. As you all know that Madhya Pradesh is going to polls on 28th of November, and there's an intense battle between the Bharatiya Janata Party and the Congress. With me today, I have some first-time female voters who will be talking to us about their aspirations, their demands, their concerns, and what do they want from the government. The Quint and Facebook have launched a campaign called Meet the Change to get answers to all of these questions. So let me quickly cut across to some of these female voters and find out what do they want from their government. Hi, tell me, what's your name? Hi, my name is Anam. हम लोग यही चाहेंगे कि जो इस साल हमारी जो हम लोग फर्स्ट ईयर वोटर्स हैं, एंड हम चाहेंगे कि जो हम फर्स्ट वोट दे रहे हैं, हम लोग उसका बेसिस चाहते हैं कि हमको वुमेन्स के लिए बेटर सेफ्टी प्रोवाइड करी जाए, और गवर्नमेंट जो है आरक्षण को लेकर थोड़ा मतलब करे. गर्ल्स को पहले ही बड़ी मुश्किल से, कई बार जो विलेजेस से पढ़ने आती हैं उनको बहुत मुश्किल से पेरेंट्स पढ़ने के लिए अलाउ करते हैं, और यहाँ पर आकर अगर वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही है तो आरक्षण की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है. आपका नाम? नेहा गुर्जर. नेहा, आपके क्या कंसर्न्स रहेंगे, आप क्या देख के इस बार वोट करोगे? वैसे तो सारी की सारी जितनी पार्टीज है वो तो एडवर्टाइजमेंट और यही सब कुछ करके अपने वोट्स इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन मैं जो काम करे उसको वोट करना पसंद करूँगी. ओके, ये नेहा ने बहुत अच्छा पॉइंट एक रेस किया है, जो काम करे. एनी हाउ, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की स्पेसिफिकली बात नहीं करेंगे, बट आपको क्या लगता है जितना डेवलपमेंट स्टेट में हुआ है, क्या आप संतुष्ट हैं उससे? डेवलपमेंट अभी मैं इतनी जानकारी इकट्ठी कर नहीं पाई हूँ कि मैं बता पाऊँ कि क्या, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक लेवल पर रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं हम लोग, तो उतना हम लोगों को ऐसे कुछ इफ़ेक्ट पड़ नहीं रहा है. बाकी और मेरी एक दिक्कत सबसे बड़ी जो मुझे लगती है, जो भेदभाव किया जाता है लड़की और लड़के के बीच में, वो भेदभाव ऐसा होता है कि जैसे अगर लड़का रात तक बाहर रहे, ठीक है, मम्मी पापा दो बार फ़ोन करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर लड़की है तो 10 बार फ़ोन करने पड़ते हैं. वुमेन सेफ्टी आप हाँ बोल रहे हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें क्यों हैं, मतलब हम लोगों को बहुत कंफर्टेबली इन चीज़ों में हम लोगों को भी इन्वॉल्व होने का मौका मिलना चाहिए. वन मोर थिंग, हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो ऑप्शंस रखे हैं कि भाजपा मोदी जी या कांग्रेस राहुल जी को वोट करें, हमारे पास नोटा का ऑप्शन रहता है. तो अगर हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमें गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करवाना चाहिए नोटा पे वोट देकर कि आप लोग, आप कोई भी इस मतलब हमारी इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहे हो, तो आपको खुद में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा. ओके, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने उठाई थी, इन्होंने बोला कि फी स्ट्रक्चर के बारे में, कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि मैं एक विलेज एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो जहाँ पे मेरे पेरेंट्स तो मतलब मिडिल क्लास से हैं, तो दे कैन अफोर्ड द फीस ऑफ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, लाइक आई एम स्टडिंग इन DAVV. ओके, सो DAVV में जो भी पढ़ाई है वो मेरे विलेजेस के हर लड़की या जो भी बच्चे हैं मेरे से लो लेवल के, जो मतलब थोड़े पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की गर्ल्स ना बाहर आके रह पाएंगी और ना यहाँ के एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन यहाँ से ले पाएंगी. जो मैम ने चीज़ कही कि रिजर्वेशन और मिल रहा है, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही, गवर्नमेंट का काम ये भी है कन्फर्म करना. ठीक है, स्कीम बना दी, बट हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि ऐसी भी स्कीम है कोई. यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि अवेयरनेस नहीं है. वो लोग बना देंगे स्कीम, प्रोमिसेस कर देंगे, मैं उसके बाद क्या, उनको ये चीज़ का रेशो निकालना भी प्रॉपर मैनर में चाहिए कि हम तक इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की पहुंच रही है कि नहीं, कितने लोग लिटरली उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, वो स्कॉलरशिप उन तक पहुंच रही है कि नहीं. जैसा कि सबने बताया स्कॉलरशिप्स एंड ऑल, तो उसमें एक बेसिक प्रॉब्लम है कि हम बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया, बट डिजिटल इंडिया को हम कैसे बड़े स्कोप में देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कर देंगे, इंडस्ट्रीज बड़ी हो जाएंगी, बट ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हमने बात करी मेधावी छात्र योजना, हम जा रहे हैं, हम एज अ स्टूडेंट हम जा रहे हैं, हमारे लिए लेने के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, MP ऑनलाइन जाते हैं, वो बोलते हैं साइट का सर्वर डाउन है. सर्वर डाउन, अब चार बार जा रहे हो, चारों बार आपको सर्वर डाउन मिलेगा, चार हफ्ते मतलब कितनी भी बार आप चले जाओ आपको सर्वर डाउन मिलेगा, या फिर मतलब वो या लिंक खुलेगी ही नहीं. बेसिकली टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है जब हम उसे यूज़ ही नहीं कर पा रहे. तो डिजिटल इंडिया का एक ये मतलब जो बोल रहे हैं कि आप इतना ग्लोरीफाई जो कर देते हो किसी चीज़ को कि डिजिटल इंडिया हो रहा है, ये हो रहा है, तो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर ये जो बेस चीज़ें हैं, जैसे कि आप जानते हो कि यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है, देन ऑब्वियस थिंग कि आपको अपने सर्वर को उतना डेवलप कर देना चाहिए कि वो ज़्यादातर ज़्यादा एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर पाए. मतलब ये तो एक तरह से देखा जाएगा कि आप चाह रहे हो कि एप्लीकेशंस आप तक पहुँचे नहीं, और फिर आप बाद में उनको बोलो कि आपकी तो एप्लीकेशंस आ ही नहीं रही हैं. सबके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलने चाहिए, और जैसे कि मार्क्स
के बेसिस पे, मतलब जैसे कि मेरिट बेस्ड, हाँ मेरिट बेस्ड रहना चाहिए। तो मतलब है ना कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे मतलब कोई जनरल कैटेगरी का और कोई ऐसी कैटेगरी का है, लेकिन अगर क्या कहते हैं उसके मार्क्स कम हैं और जैसे किसी के 40 आए और ऐसी कैटेगरी वाले के 40 आए और जनरल कैटेगरी वाले के 80 आए, तो उसको पहले मतलब वो सीट मिल जाती है लेकिन जनरल कैटेगरी वाला रह जाता है। तो मतलब वो नहीं होना चाहिए, मार्क्स बेस्ड होना चाहिए सब कुछ। आप कुछ बोल रहे थे जैसा कि सभी लोग अभी बोल रहे हैं रिजर्वेशन ऑन फाइनेंशियल बेसिस पे देना चाहिए। तो देखिए जब रिजर्वेशन बना था दैट टाइम इट वाज अ नीड फॉर द कंट्री टू बी स्टेबलाइज्ड बॉल, पर आज जब हम किसी से भी दोस्ती करते तो हम ये नहीं बोलते कि यार ये एससी है एसटी है या ओबीसी से, हम सिर्फ ये देखते कि वो इंसान कितना अच्छा है। तो रिजर्वेशन की मेरे ख्याल में अब उस मतलब एससी एसटी ओबीसी की उसमें ज़रूरत नहीं है। आई गेस एवरीवन एग्रीज कि एससी एसटी ओबीसी के लिए ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है जिन्हें फाइनेंशियली या जिन्हें मॉरली बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। सो द मेन इशूज ओवर हियर द फीमेल वोटर्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट majorly talk about reservations, female safety, job security, equal opportunities. Watch this space for more. We'll be covering more of election issues.